बिजनेस की एक खास पेशकश और आपके साथ मैं हूँ शिल्पा। बुलेट ट्रेन आने में भले ही 7 साल लगे, लेकिन रेल मंत्रालय जल्द देश में ऐसी ट्रेन लाने की तैयारी कर रहा है जो पटरियों पर नहीं दौड़ेगी बल्कि हवा में उड़ती हुई नजर आएगी। जी हाँ, बुलेट से भी 2 कदम आगे है मैग्लेव ट्रेन। 1 घंटे में 500 किलोमीटर का सफर तय करने वाली मैग्लेव ट्रेन पर क्यों है पीएम मोदी की नजर, देखिए हमारे संवाददाता समीर दीक्षित की एक खास रिपोर्ट। भारतीय रेलवे देश में बुलेट ट्रेन के सपने को हकीकत में बदलने के लिए जोर शोर से कोशिश में जुटी है। बुलेट ट्रेन के लिए अब तक की कामयाब कोशिशों का ही नतीजा है कि सरकार अब जल्द ही देश में हवा में चलने वाली ट्रेन लाने की तैयारी कर रही है। हवा में चलने वाली ये बेहद खास ट्रेन है मैग्लेव ट्रेन। मैग्लेव यानी मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित ट्रेन को रेल मंत्रालय देश में 100-200 नहीं बल्कि 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाने का मन बना रहा है। ट्रेन का जमीन के साथ कोई संपर्क नहीं रहेगा। अगर लेविटेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी की ट्रेन अगर आती है तो वो हवा से, मतलब उसका एयर कुशन पे चलती है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है। ये उम्मीद की जाती है कि जितनी बुलेट ट्रेन की जो कॉस्ट आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर करीब करीब उसी के आसपास आना चाहिए। मैग्लेव ट्रेन अगर देश में दौड़ती है तो लंबी दूरी का सफर महज चंद घंटों में तय हो सकेगा। मसलन मैग्लेव ट्रेन में बैठकर आप महज 5 घंटे में दिल्ली से करीब 1400 किलोमीटर दूर मुंबई तक का सफर तय कर सकेंगे। इस हसीन सपने को जल्द हकीकत में बदलने के लिए रेल मंत्रालय तेजी से कदम उठा रहा है। रेल मंत्रालय ने मैग्लेव ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी जारी कर दिया है जो 6 सितंबर को खुलेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 3 विदेशी कंपनियों ने दिलचस्पी भी जताई है, जिसमें 2 अमेरिका से हैं जबकि 1 कंपनी जापान से है। इसके बाद मंत्रालय टेंडर जारी करके कंपनी को आमंत्रित करेगा। खास बात यह है कि मैग्लेव ट्रेन अपने आप में एक अलग प्रोजेक्ट होगा जिसका सीधे तौर पर भारतीय रेलवे से कोई कनेक्शन नहीं होगा। इस ट्रेन को चलाने का जिम्मा पूरी तरह से एक सिलेक्टेड कंपनी का ही होगा जिसे ट्रेन संचालन से लेकर स्टेशन, टिकटिंग और रखरखाव सब देखना होगा। रेलवे इस प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी पार्टनर होगा। मैग्लेव ट्रेन को लेकर रेलवे विदेशी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर कंपनी भी बना सकती है। जहाँ तक उसके ट्रेवल, उसके ऑपरेशन का खर्च कितना होगा, जो क्लेम किया गया है कि ऑपरेशन का खर्च कम है, लेकिन वो सब अभी तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है। हमको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से लोग आते हैं और अपनी क्या क्या टेक्नोलॉजी लाते हैं और तब हम लोग उसको वर्कआउट करेंगे। और दूसरा चीज़ है कि इसमें भारतीय रेल एक टेक्नोलॉजी पार्टनर रहे। मैग्लेव ट्रेन सिस्टम के लिए रेल मंत्रालय ने जो टेंडर आमंत्रित किया है उसके मुताबिक भारत सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी जमीन देगी और संबंधित कंपनी को एलिवेटेड ट्रैक डिजाइनिंग, मैग्लेव ट्रेन सिस्टम की डिजाइनिंग और डिमॉन्स्ट्रेशन का जिम्मा खुद उठाना पड़ेगा। इसके लिए 200 से 500 किलोमीटर के ट्रैक के लिए टेंडर भरने वाली कंपनी को योजना देनी होगी और 10 से 15 किलोमीटर के ट्रैक पर अपने मैग्लेव ट्रेन सिस्टम को चलाकर दिखाना होगा। इस ट्रेन को 400 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा। इंसान की फितरत है कि उसकी चाह, उसकी जिज्ञासा कभी शांत नहीं होती। एक खत्म होती है तो दूसरी जाग उठती है। कुछ ऐसा ही मोदी सरकार के साथ भी दिख रहा है। बुलेट ट्रेन का सपना हकीकत की राह चला ही था कि मैग्लेव ट्रेन या यूं कहे उड़ती ट्रेन का सपना देशवासियों को थमा दिया गया है। इस सपने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि आज भी देश का आम रेल यात्री मौजूदा रेल व्यवस्था और उसकी तमाम सुविधाओं को दुरुस्त करने की ज़्यादा गुजारिशें करता है और यकीनन इस पर ध्यान भी दिया जाना चाहिए। कैमरामैन सदाशिव के साथ समीर दीक्षित, दिल्ली, जी मीडिया। तो ये ट्रेन पटरियों पर नहीं दौड़ेगी बल्कि हवा में चलेगी। जी हाँ, इसके लिए खास तैयारियां भी की जा रही हैं, फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है और बुलेट ट्रेन के बाद अब मैग्लेव ट्रेन की बारी है। इससे घंटों का जो लंबी दूरी वाला सफ़र है वो महज बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में आप तय कर सकते हैं। खास मेहमान हैं, इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता समीर दीक्षित जुड़ेंगे। एसके विज, फॉर्मर मेंबर रेलवे बोर्ड भी हमारे साथ हैं। अनिल कुमार सक्सेना, एडिशनल डीजी इंडियन रेलवेज, आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। एसके विज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि
बुलेट ट्रेन का सपना अभी है फिलहाल, उसका काम पूरा नहीं किया गया, और उसके बाद अभी मैग्लेव ट्रेन का सपना जो पटरियों पर नहीं दौड़ेगी हवा में चलेगी, कितना मुनासिब ये हो पाएगा? देखिए, वी एज ए कंट्री बड़ी बातें सोचना शुरू किया है, बड़ी बात सोचने में, उसकी तरफ प्लानिंग करने में कोई हर्जा नहीं है। कोई एंथुजियाज़म, कोई लोगों की शक्ति जो है मन में दिमाग में बढ़ती है, उसमें कोई हर्जा नहीं है। जी, इसके बीच आप बने रहिए हमारे साथ। और अनिल कुमार, आप इस पर क्या कहेंगे? आपको लगता है कि इतना आसान होगा अब मैग्लेव ट्रेन का सपना? अनिल सक्सेना हमारे साथ बने हुए हैं, एडिशनल डीजी इंडियन रेलवेज। अनिल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? तो फिलहाल अभी हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इसके बीच ये बताइए, जिस टेक्निक का यहाँ पर जिक्र किया गया है, जिसके ज़रिए ये ट्रेन हवा में दौड़ेगी, इसके लिए चैलेंजेस आपको क्या लग रहे हैं कि क्या हो सकते हैं? देखिए, ये टेक्नोलॉजी जो है 1934 में पेटेंट कर ली गई थी, जापानीज़ भी 1962 से काम कर रहे हैं, जर्मन्स ने 1996 वगैरह में को इसको बर्लिन से हैम्बर्ग के लिए एक सेवा शुरू करने के लिए प्लानिंग भी कर लिया था, पर फिर छोड़ दिया गया था। और उसके बाद में चाइनीज़ गवर्नमेंट इंटरेस्टेड हो गई, तो एक 38 किलोमीटर का सेक्शन जो है शंघाई की सबर्ब से शंघाई के एयरपोर्ट तक ले किया गया है, जो कि ऑपरेशनल है 2002 से। पर ये टेक्नोलॉजी जो है, मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन की मैं कहूँगा, अभी इसके बाद सेकंड जनरेशन की टेक्नोलॉजीज़ भी कुछ डेवलप हुई हैं, कोई US कंपनी भी हैं, जापानीज भी इंटरेस्टेड हैं। तो अभी जो मेरे को समाचार मिला है मीडिया से कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बुलाया गया है, क्योंकि ये एनर्जी कंजम्पशन सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजी में कुछ कम है, जो प्रोजेक्ट कास्ट है वो कास्ट हाई स्पीड रेलवे के थोड़ा सा ही ऊपर बताई जाती है। तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं और एनर्जी कंजम्पशन कम है, और फिर ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में ये डिटेल्स आएंगी, तो उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। तो ये एक एक्सप्लोरेटरी चीज़ है कि मतलब क्या किया जाए। आप देखिए, हाई स्पीड रेलवे भी तकरीबन कोई 10-11 साल से स्टडी हो रहा था जी, तो अगर अब उसको प्रोजेक्ट स्टेज पर अब लाया गया है तो समय तो लगेगा जी, पर सपना देखने में कोई हर्जा नहीं है। जी, जाहिर है समय लगेगा, सपना देखने में हर्जा भी नहीं है, लेकिन ये सपना हकीकत में भी बहुत जल्द बदल सकता है, जिस तेज़ी से यहाँ पर काम किया जा रहा है रेल मंत्रालय की तरफ से। और आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से हम कोशिश कर रहे हैं अनिल कुमार सक्सेना से बात करने की। अनिल जी, आप तक आवाज़ पहुँच रही है? जी, आप थोड़ी सी बेटर पहुंच रही है। जी, थोड़ा तेज कर दें तो अच्छी बात है। जी, अनिल कुमार सक्सेना, अब मैग्लेव ट्रेन की बात यहां पर कही जा रही है, और अभी तो फिलहाल इसका फ्रेमवर्क पूरा तैयार किया जा रहा है, लेकिन कितनी जल्दी ये हकीकत में बदल सकता है और कितना मुनासिब आपको लगता है? देखिए, हम एक टॉप हाई स्पीड के सेगमेंट में अपन कदम रख ही चुके हैं, जैसे कि आपका बुलेटिन में थोड़ा थोड़ा जो सुन पा रहा था, आप हाई स्पीड हमारी बुलेट ट्रेन जिसको आप लोग पॉपुलरली कहते हैं, जो मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर में हमने जापान के साथ करार किया है, वो काम इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे है और वो काम प्रारंभ हो गया है। और टेक्नोलॉजी भी आ रही है, फाइनेंसेस भी आ रहे हैं, और उसके साथ वो काम प्रारंभ हो गया है। अब रही बात मैग्लेव की, मैग्लेव का जैसा कि आपने बताया ही होगा अपने बुलेटिन में डिटेल में, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया होगा, मैग्नेटिक और लेविटेशन इन दो वर्ड से बना। लेविटेशन कहते हैं हवा में थोड़ा उठने को, योगी वगैरह लोग उठने की बात करते हैं ना, लेविटेशन करना कहते हैं, और मैग्नेटिक उसका मैग लेके मैग्लेव टेक्नोलॉजी बनी है। ये देखिए, दुनिया में ये भी एक टेक्नोलॉजी है, और इसमें 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार काफ़ी सेफ्टी के साथ अचीव की जा सकती है, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है। और हम चाहेंगे कि इस सेगमेंट को भी, इस टेक्नोलॉजी को भी हम समझें।
अभी दुनिया में इस टेक्नोलॉजी का अब एक नेक्स्ट जनरेशन आया है। फर्स्ट जनरेशन उतना सक्सेसफुल नहीं था, अब नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी आई है वो थोड़ी सी सक्सेसफुल बताई जाती है जी। तो हम चाहते हैं कि उसको हम अध्ययन करें, समझें हमारे पास हमारी परिस्थितियों में वो कितनी अनुकूल है, हमको कितने वो कितने हमारे टॉप हाई स्पीड सेगमेंट को कितना वो फ़ायदा पहुंचा सकती है। तो उसी प्रोसेस में, उसी एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस में हम लोग लगे हुए हैं जी। दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए। और जिस तकनीक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो तकनीक आखिरकार है क्या और किस तरीके से मैग्लिव ट्रेन उस पर दौड़ेगी, ये हम आपको दिखा रहे हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय रेल को नई उड़ान देने के लिए मोदी सरकार लगातार कोशिश कर रही है, खासकर ट्रेन की सुस्त रफ्तार को बढ़ावा देने के लिए सरकार टेल्गो बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। इससे भी आगे सरकार मैग्लेव ट्रेन को लाने की योजना पर काम शुरू कर चुकी है। हवा से बातें करने वाली मैग्लेव ट्रेन का नाम दरअसल इसकी तकनीक मैग्नेटिक लेविटेशन से पड़ा है। मैग्नेटिक लेविटेशन में मैग्नेटिक पोल साइंस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे ट्रेन की पटरियों और पहियों के बीच मैग्नेटिक फोर्स पैदा होता है और जब ट्रेन दौड़ती है तो इस मैग्नेटिक फोर्स के चलते ट्रेन पटरी से 1 से 6 इंच ऊपर उठ जाती है, या आसान शब्दों में कहें तो ये ट्रेन हवा में चलती है। ऐसे में फ्रिक्शन कम होता है और ट्रेन के लिए 500 किलोमीटर या उससे ज्यादा स्पीड हासिल करना आसान हो जाता है। यही वजह है कि मैग्लेव ट्रेन को हम हवा में उड़ने वाली ट्रेन कह रहे हैं। ये जो ट्रेन का ज़मीन के साथ कोई संपर्क नहीं रहेगा, अगर लेविटेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी की ट्रेन अगर आती है तो वो हवा से मतलब उसका एयर कुशन पे चलती है, चाहे वो मैग्नेटिक हो, मैग्नेटिक में वो मैग्नेटिक रिपल्शन या मैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से वो हवा में उड़ जाती है जिसकी वजह से चलती है। व्हील्स उसमें होते जरूर हैं, चक्के होते हैं, लेकिन चक्के पे ट्रेन चलती नहीं। रेल मंत्रालय की योजना है कि मैग्लेव ट्रेन का इस्तेमाल न केवल पैसेंजर्स के लिए बल्कि माल ढोने के लिए भी किया जाएगा। रेल मंत्रालय के मुताबिक देश में जो तकनीक लाई जा रही है वो मैग्लेव इंट्रैक्शन तकनीक होगी। रिपल्शन तकनीक पर चलने वाली ट्रेन महंगी होती है, लिहाजा इसे इंट्रैक्शन तकनीक पर चलाने की योजना है। मैग्लेव ट्रेन की राह में सबसे बड़ी चुनौती है इसको बनाने में आने वाली लागत। यही वजह है कि दुनिया के तमाम दिग्गज देश मैग्लेव ट्रेन से अब तक परहेज करते आए हैं। इस बात को यूं समझिए कि बुलेट ट्रेन की ही तरह मैग्लेव ट्रेन के लिए 1 किलोमीटर का ट्रैक बिछाने में 100 से 150 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बाकी का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। दुनिया भर में मैग्लेव ट्रेन की तकनीक चुनिंदा देशों के पास ही है, जर्मनी, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका। फिलहाल सिर्फ चीन, दक्षिण कोरिया और जापान में ही मैग्लेव ट्रेन की कमर्शियल सर्विस है। पूरी दुनिया में चीन में सबसे लंबी दूरी की मैग्लेव ट्रेन सर्विस दी जा रही है। सबसे तेज चलने वाली मैग्लेव ट्रेन का रिकॉर्ड जापान के पास है, जहां इसकी स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। जर्मनी के पास मैग्लेव की सबसे उम्दा टेक्निक है। खास बात यह है कि मैग्लेव तकनीक ईजाद करने वाले ब्रिटेन में इसे नहीं चलाया गया। मैग्लेव तकनीक से ट्रेन चलाने का सपना जर्मनी, यूके और अमेरिका जैसे देशों ने देखा, लेकिन तकनीकी कुशलता के बावजूद इसकी लागत और बिजली की खपत को देखते हुए ये सफल नहीं रही। देश में बुलेट ट्रेन के सपने को हकीकत में बदलने के लिए साल 2023 का लक्ष्य रखा है, लेकिन सरकार बेचैन है बुलेट ट्रेन से पहले मैग्लेव ट्रेन या यूं कहें उड़ती हुई ट्रेन को देश में लाने के लिए। सरकार का इरादा बिल्कुल साफ है कि भारतीय रेलवे की छवि को सुधारा जा सके और रेलवे रेंगती हुई नहीं बल्कि दौड़ती हुई नजर आए। कैमरामैन सदाशिव के साथ समीर दीक्षित, दिल्ली, जी मीडिया।